हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो दिवाली क्लीनिंग शुरू हो चुकी है और मैं भी आजकल अल्टरनेट डेज पे किसी ना किसी एरिया की डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, ताकि दिवाली के बिल्कुल एक हफ्ता पहले मेरी सारे घर की क्लीनिंग और डेकोरेशन कंप्लीट हो जाए। किचन की क्लीनिंग मैं सबसे लास्ट में करती हूँ और किचन की डीप क्लीनिंग की पूरी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप आपकी क्लीनिंग लिस्ट भी रेडी होगी। एक या दो दिन का गैप डालते हुए किसी ना किसी एरिया को क्लीन करते जाएं, इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा घर कब साफ हो गया। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाथरूम की डीप क्लीनिंग। दो बाथरूम अपने घर के ऑलरेडी मैं क्लीन कर चुकी हूं और उसी वे मैं आज ये वाला बाथरूम भी क्लीन करूंगी। आप देख सकते हैं कि इस बाथरूम को डीप क्लीनिंग की कितनी ज़रूरत है। जो बीच की लाइंस होती हैं, टाइल के बीच की लाइंस, इनमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट जम जाती है, तो इनको क्लीन करना ज़्यादा टफ होता है। हार्ड वाटर स्टेन्स आपको हर जगह नज़र आएंगे, टैप्स पे, बेसिन में और टाइल्स पे। बिना ज़्यादा मेहनत किए भी आप इनको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। लेकिन चलिए पहले सामान निकाल लेते हैं। इस वॉशरूम में बस दो ग्लास शेल्व्स हैं, कोई कैबिनेट नहीं है, तो जो भी एक्स्ट्रा सप्लाई होती है उसे मैं अपने क्लोजेट में ही रखती हूँ। किसी भी काम को करने से पहले अगर तैयारी ठीक हो तो काम जल्दी हो जाता है, तो ये एक तरह से आपकी प्रिपरेशन है। पूरे वॉशरूम को खाली करके आप उसे क्लीनिंग के लिए रेडी कर रहे हैं। गार्बेज बैग से मैं मिरर को कवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइल्स पे पानी फेंकना है और पानी जब डायरेक्ट आपके मिरर पे गिरता है तो उस पे स्टेन्स बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो किसी तरह का कोई केमिकल या पानी मैं डायरेक्ट कभी मिरर के ऊपर नहीं फेंकती हूँ। और सेम इसी वे से कवर कर रही हूँ मैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस को। इनके अंदर भी पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। तो पहले गार्बेज बैग के साथ और टेप्स लगा के आप इसको अच्छे से कवर कर दें। क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं डस्टिंग से। स्टार्ट करेंगे टॉप टू बॉटम। जहाँ पे स्पाइडर नेट्स हैं या फिर वॉल पे कोई डस्ट लगी हुई है, उसको पहले हम ड्राई डस्टर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और भी दुनिया भर के काम होते हैं हम लेडीज़ को, तो इतनी बारीकी से क्लीनिंग हम बहुत रेयरली कर पाते हैं, लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर इसको अच्छे से क्लीन करें। Nobody's gonna save and oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. ड्राई डस्टिंग तो मेरी डन हो चुकी है, लेकिन मुझे गीज़र को एक बार वेट क्लोथ से भी क्लीन करना है। गीज़र काफ़ी हाइट पे है तो पूरा हाथ ऊपर तक पहुंचता नहीं है, तो वेट क्लोथ से क्लीन करने पर डस्ट इसके साथ चिपक जाएगी। चार के ऊपर के पार्ट को तो मैंने वेट क्लॉथ से क्लीन कर लिया है, लेकिन उसके होल्स को मैं क्लीन करूंगी बेकिंग सोडा और विनेगर के मिक्सचर से। तो इन दोनों को मिला के मैंने एक पेस्ट रेडी कर लिया है, किसी भी वेस्ट टूथब्रश की हेल्प से इस पे अप्लाई कर दें। टॉयलेट सीट को तो हम क्लीन करते ही रहते हैं, लेकिन इसके वाटर टैंक की क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो आज हम इसको भी क्लीन करेंगे। तो विनेगर की पूरी एक बॉटल मैंने इसके अंदर डाल दी है और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ बेकिंग सोडा। तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद इसको क्लीन करें। और टॉयलेट सीट पे क्लीनर लगा के भी हम आधे घंटे के लिए ही छोड़ देंगे। बाथरूम की इस वॉल पे मैंने एक हुक लगाया था जो कि डबल टेप के साथ लगता है, लेकिन अब वो टूट गया है तो मैं इसको निकाल रही हूँ। इस पे मैं वाइपर को हैंग करती हूँ ताकि वाइपर ड्राई रहे, और जितना वो ड्राई रहेगा उतना ही वो गंदा कम होगा। और डस्टिंग भी अभी चालू है, मुझे विंडो भी क्लीन करनी है। पहले ड्राई डस्टर से इसको क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद वेट क्लोथ से क्लीन करूँगी।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन क्लीनिंग, जो कि है वॉल टाइल्स को क्लीन करना। सबसे पहले मैं पानी फेंक रही हूँ एक साइड की वॉल टाइल्स, क्योंकि कोई भी टाइल क्लीनर लगाने से पहले वॉल का अच्छे से गीला होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं लगा रही हूँ ये क्लीनर। ये क्लीनर मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किया था और इसकी एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे, हाउ टू क्लीन बाथरूम टाइल्स एंड टैप्स। लेकिन काफी कॉमेंट आए थे इसके रिगार्डिंग कि ये क्लीनर हमें मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी जो क्लीनर इसी के बिल्कुल सिमिलर काम करता है। इसका यूज़ करते हुए बहुत ही इजीली आपकी टाइल्स क्लीन हो जाती हैं, लेकिन इसका यूज़ रेगुलर बेसिस पे ना करें क्योंकि ये एक तरह का केमिकल ही है। तो आप 6 मंथ्स के बाद इसका यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसकी क्लीनिंग की हुई आपकी टाइल्स चमकती रहेंगी। क्लीनर को अप्लाई करने के बाद आपने 30 सेकंड to 1 मिनट सिर्फ छोड़ना है और उसके बाद टाइल स्क्रबर से इसको अच्छे से स्क्रब करना है। बहुत ही ईजिली आप देखेंगे कि इसकी सारी गंदगी नीचे उतरती जाएगी। एक वॉल की रबिंग मेरी कंप्लीट हो गई है और साथ ही फेंक रही हूँ मैं पानी, और आप कपड़े के साथ इसको साथ के साथ ड्राई करते जाएं। क्लीनर लगाते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्लीनर आपकी सिर्फ टाइल्स पे ही लगना चाहिए, टैप्स पे नहीं गिरना चाहिए क्योंकि टैप्स आपकी इससे ख़राब हो सकती हैं। तो ये थी मेरी लास्ट वॉल। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं पानी फेंक रही हूँ तो कितनी ज़्यादा गंदगी नीचे आ रही है। वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए मैं रेड हार्पिक का यूज़ कर रही हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन डेली के लिए मैं नॉर्मल डिटर्जेंट का ही यूज़ करती हूँ। डीप क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि आप उन एरियाज़ को भी क्लीन करें जनरली जिनको आप क्लीन नहीं कर पाते हैं। बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपनी बॉडी की सफाई करते हैं, और जिस जगह पर हम खुद की सफाई करते हैं उस जगह का साफ होना भी ज़रूरी है। शार पे पेस्ट अप्लाई किए काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसको भी वेट क्लॉथ से मैं क्लीन कर रही हूँ। टॉयलेट सीट, बेसिन और वॉल टाइल्स को मैं क्लीन कर चुकी हूँ, तो जो गंदगी इन सब चीज़ों को क्लीन करने के बाद फ्लोर पे आई है, पानी डाल के मैं उसको एक बार वाइप कर रही हूँ। इसके बाद मैं वही क्लीनर फ्लोर पे भी अप्लाई करूँगी। इसको अप्लाई करने के बाद भी आप सेम टाइम के लिए, यानी कि 30 सेकंड to 1 मिनट के लिए ही इसको छोड़ें और उसके बाद रब करना शुरू करें। बेकिंग सोडा और विनेगर घर की काफ़ी चीज़ों को क्लीन करने के काम आता है, लेकिन बाथरूम को क्लीन करना इतना इजी नहीं है। हार्ड वाटर स्टेन्स होते हैं जिनको बेकिंग सोडा और विनेगर इजीली क्लीन नहीं कर पाता है, और आप देख सकते हैं कि बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए बहुत ही इजीली ये डर्ट को निकाल रहा है। अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम है और आप झुक के और बैठ के काम नहीं कर सकते हैं, तो इजीली मार्केट में ऐसे ब्रशेस मिल जाते हैं जिससे आपको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फ्लोर टाइल्स भी मेरी अब क्लीन हो चुकी हैं, तो पानी के साथ मैं बाथरूम को अच्छे से वॉश कर दूँगी। फास्ट क्लीनिंग के लिए मैं बकेट और मग को भी रेड हार्पिक से ही क्लीन कर रही हूँ। किसी भी एरिया की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करना ही थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप एक बार लग जाते हैं तो उसे पूरा किए बिना आप चैन से नहीं बैठ सकते।
तो चलिए अब कर लेते हैं क्लीनिंग टैप्स की। तो मेरे पास जो क्लीनर है उसका नाम है टैपी। तो हो सकता है कि आपके एरिया में ये आपको ईजिली ना मिले, तो इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जो क्लीनर इसी के सिमिलर काम करता है। इनका यूज़ टैप्स को बिल्कुल नए जैसा बना देता है, क्योंकि हार्ड वाटर स्टेन्स डिटर्जेंट से क्लीन नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसका यूज़ भी मैं डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ। सो नाउ यू कैन सी शाइनिंग टैप्स। वॉशिंग का काम हमारा सारा डन हो गया है, तो अब कोई डर नहीं। अब उतार लेते हैं कवरिंग इलेक्ट्रिकल बोर्ड और मिरर से। मिरर को क्लीन करने के लिए मैं कॉलिन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो टूथपेस्ट से भी इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, या फिर आप टी वाटर चाय पत्ती का पानी जो होता है उसका स्प्रे करने से भी मिरर बहुत अच्छे से चमक जाता है। तो लीजिए क्लीनिंग पार्ट मेरा डन हो गया है। अब रख लेते हैं वन बाय वन हर चीज़ वापस उसकी जगह पे। कुछ कॉटन बर्ड्स मैं अपने वॉशरूम में रखती हूँ, क्योंकि नेल पेंट को रिमूव करने का जो काम है मैं अपने वॉशरूम में ही करती हूँ। ऊपर की शेल्फ पे रूम स्प्रे, हस्बैंड का शेविंग फोम, शैम्पू, नेल पेंट रिमूवर और गुलाब जल, और नीचे की शेल्फ पे एक छोटी सी बास्केट रखी है जिसमें हमने अपने डियोज रखे हैं। मेरा स्क्रबर और फेस मसाज क्रीम भी मैं इसी में रख रही हूँ। छोटा छोटा सामान बास्केट में इसलिए रख दिया है ताकि इसको उठा के फिर क्लीनिंग करना ईजी रहता है। तो चलिए अब सब सेट हो गया है। अब देख लेते हैं वॉशरूम क्लीनिंग के बाद कैसा दिख रहा है। पूरे घर की दिवाली क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, और उसके साथ अगर आपको वीडियोस भी शेयर करनी हो तो टाइम पीरियड और बढ़ जाता है। बट कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी जितनी भी वीडियोज़ मैं दिवाली क्लीनिंग की आपके लिए ला पाऊँ। लेकिन मुझे मोटिवेट करने के लिए आपके कॉमेंट्स का आना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही एक लाइक बनता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड stay healthy.